जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम जानेंगे कि 11 मुखी रुद्राक्ष की क्या विशेषता है और किसे इसको धारण करना चाहिए। दोस्तों, 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र के 11वें अवतार भगवान श्री हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। इसे इंद्र का रुद्राक्ष भी कहते हैं। दोस्तों, हर रुद्राक्ष की एक अलग विशेषता होती है और उसी विशेषता के कारण उसे कुछ खास लोग ही धारण कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति हर कोई सा रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। रुद्राक्ष धारण करने के लिए किसी भी कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इसके लिए हमने पूर्व में भी कुछ एपिसोड बनाए थे, आप वो भी देख सकते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसमें मंगल ग्रह की शक्ति समाहित होती है। कुंडली में अगर मंगल कारक ग्रह है और उचित स्थान पर विराजमान है तभी 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये रुद्राक्ष प्रॉपर्टी से जुड़े लोग, कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हुए लोग, ऊपरी बाधा से परेशान लोग और जिनके परिवार में सदैव कलह रहती है ऐसे लोग, वाहन चालक, ट्रांसपोर्ट का कार्य करने वाले लोग, आध्यात्म में रुचि रखने वाले लोग इस 11 मुखी रुद्राक्ष को अपनी कुंडली दिखवाकर धारण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी यह रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखवाकर हमसे ये रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इस वीडियो से संबंधित आपके प्रश्न हो या जन्म पत्रिका से संबंधित कोई सा भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।